एक साहब थे, उन्होंने मुझे अपना वाकया सुनाया, कहा कि मैं मेरी जिंदगी एकदम अजीब सी जो है बन गई थी, अलग एकदम मयार जिंदगी, तब जैसे आज की हमारे नौजवानों को है बिलखसूस। तो कहा रात भर जगता था, 3 बजे 2 बजे सोता था, 12 बजे उठता था, मोबाइल पे वही सब दुनिया के तमाम गाने फिल्में ये सब मैं देखता था, एकदम से मेरी जिंदगी अजीब सी हुई थी और हर वक्त परेशान रहता था। का हजरत के पास आया, हजरत को मैंने बात सुनाई हजरत वाली साहब रहमतुल्लाह अलैह को, या वो हाफिज भी था, पहले हाफिज था, लाइन बदल गई, सब चीज़ें छूट गई थी। तो कह के रोने लगा मुझसे कि वो कैसे, क्या उसने कहा, उसने कहा कि वो इतने अच्छे और अजीब थे कि जो तरबियत भी कर देते थे पता भी नहीं चल पाता था। कहा मुझसे कुछ नहीं कहा कि बताओ जालिम हो, बेवकूफ हो, हाफिज कुरान हो, ये देखा डांटते फटकारते, वो मदरसे के शागिर्द भी रह चुके थे। कहा लेकिन एक लफ्ज हजरत ने नहीं कहा, बल्कि मुझसे ये कहा ठीक है कोई बात नहीं है, तुम ऐसा करो जो कुरान तुम पढ़ नहीं पा रहे हो और फिल्में हर वक्त गाने तमाम चीजें देखते रहते हो, ऐसा करो इसी मोबाइल पर रोजाना आधा पारा पाव भर कुरान की तिलावत सिर्फ शुरू करो, बस बकिया और कुछ नहीं। तो उसने कहा मैंने शुरू किया, फिर कभी सुनता कभी नहीं सुनता, कभी सुन लेता, फिर धीरे धीरे उसी पर अल्लाह ने इस्तेकामत दे दी, सुनने लगा। फिर अब धीरे धीरे दिल जो एकदम से गंदगी की तरफ मायल था, अब फिर नमाज की तरफ, कहा मस्जिद जाता तो दिल इतनी तेज घबराता फौरन मैं मस्जिद से निकल जाता, कहा मस्जिद में अच्छा लगने लगा, नमाज में पढ़ने लगा, फिर तमाम चीज़ें मेरी पिछली वापस हो गई। तो नौजवान जी जो मस्जिद नहीं अच्छी लगती या अच्छी मजलिसों में जाते हुए वो परेशान हो जाता है, या दुनियावी जिंदगी में अपने को उलझाए हुए एकदम से परेशान, न खाने का ख्याल न आराम का ख्याल, मिसल मशीन के बना हुआ है, तो बस यही बात मैं कह देता हूँ भाई, आप आधा घंटा कुरान की तिलावत शुरू कर दे सुनना बस, इंशाल्लाह फिर इन तमाम चीजों से बचना आसान हो जाएगा, इसी से अल्लाह ताला रास्ते पैदा फरमाएंगे।